दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए हम बहुत सारे स्नैक्स बनाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं अपने अपने घरों में, ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही होती है दिवाली के लिए। तो ऐसी ही एक रेसिपी मैं दिवाली के लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने खस्ता मठरी बनाई है और जो कि बनके बहुत ही खस्ता तैयार हुई है। इसको मैंने पहले कम क्वांटिटी में ट्राई किया और बहुत ही अच्छी बनी पहली बार में ही, और घर में सबको पसंद आई। तो फिर मैंने सोचा कि दिवाली के लिए और ढेर सारा करके बनाती हूँ और ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और लिया है काली मिर्च का पाउडर और साथ ही लिया है जीरा पाउडर और मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे और यहाँ पे भी लिया है मैंने पिंक सॉल्ट। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। घी है वो मैजिक इंग्रेडिएंट जिससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मठरी इसमें खस्ता बनेगी। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सैंडी फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सैंड सैंड सा लगेगा। इसको हम ऐसे दबा के देखेंगे तो इस तरह का कुछ टेक्सचर आएगा इसका। इस तब तक के लिए हमें इसको हाथ से अपना रब करना है और इस तरह का तैयार कर लेना है। फिर हम पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी यूज़ करेंगे इसमें, एक साथ हमें मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा फैल भी सकता है या फिर। तो थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करेंगे और इस तरह का एक डो बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम उसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है डो को, तो वो अपने फॉर्म ले लेगा। उसके बाद हम इधर साइड में तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में घी लेंगे और लेंगे हम मैदा, इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक स्लरी बन के तैयार हो गया है। ये हमारा आगे यूज़ होने वाला है जब हम अपनी मठरी को शेप देंगे। तो अभी इसको रेस्ट करे हुए भी हो गया है टाइम, तो अभी हम इसको निकालते हैं। इस कुछ इस तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए डो का। ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम में। मेरा पहली बार में भी ऐसा ही बना था, तो आपका भी ऐसा ही बनेगा। एक ही बार में अच्छा रिजल्ट आएगा इस रेसिपी का, आप ज़रूर ट्राई करना। तो फिर मैं यहाँ पे ना इनको तीन पार्ट्स में कर लूँगी डिवाइड। आप चाहे तो छोटे छोटे पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन पार्ट में कर लिया है और एक इसमें से एक पार्ट में ले लूँगी और इसको रोल करेंगे रोटी की तरह। हमें बेसिकली इसको बेलना है और जितना पतला हो सके, एकदम थिन वाला। और यहाँ पे मैंने तेल भी साथ में चढ़ा दिया है इस टाइम में, क्योंकि हमें चाहिए कढ़ाई अपना गर्म होने के लिए। मैंने स्लो पे रख दिया है कि तेल भी गर्म होता रहेगा साथ साथ। और हमने जो स्लरी बनाई थी ना, जो ये थिन वाला हमने ये रोटी बना के तैयार किया है, इसके ऊपर इस तरह से कुछ स्प्रेड करेंगे पूरे में वो स्लरी, घी और मैदा की जो हमने तैयार करके रखी थी पूरे पे हमको वो फैलाना है। अब मैंने जो रोटी लिया था ना, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था साइज में, तो मैंने क्या किया, उसको चाकू से कट कर दिया और मैंने उसके दो पीस कर लिए। तो एक पीस को मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ। हमें एकदम पतला 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 करके रोल करना है, एकदम से खींचना नहीं है उसको, वो उसका शेप गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। तो हमें इसको इस तरह से करते करते जाना है। और जो मेरा दूसरा पार्ट था, तो उसको भी मैंने इसी तरह से स्लरी लगा के उसको भी रोल कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो पहला वाला पीस हमने ऐसे निकाल दिया कट करके। इस तरह का कुछ हमको बना के रखने हैं, इतना ही छोटा छोटा बनाना है, क्योंकि हमको अभी इनको भी आगे बेलना है और बहुत पतला पतला चाहिए। तो इतना बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से आप सारे बनाकर रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे इनको सबको कट करके रख रही हूँ। सो अभी तक का जो भी पार्ट आपने देखा, वो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, मतलब इतना तो लगता भी है ना एक रेसिपी में। अभी जो इसके आगे का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें तो बैंड बज जाती है, मतलब आप डरना मत, अगर अच्छा कुछ खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी हम इनको एक एक को लेके इस तरह से हमको रोल करना है और जितना पतला हो सके हमको एकदम थिन थिन वाला लेयर करना है इसका। उसके बाद हम इस पे वो स्लरी लगाएंगे जो हमने पहले यूज़ की थी घी और मैदा वाली। इस तरह से पूरे पे स्प्रेड करना है। फिर हम इसको भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको। और फिर हम यहाँ पे भी वो स्लरी यूज़ करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लरी लगाएंगे। फिर से हमें इसको एक और बार फोल्ड करना है। तो हमारा वो जो हमको ट्रायंगल शेप चाहिए था ना, वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम फोक की हेल्प से इस तरह से इसमें छोटे छोटे होल कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको हम दोनों साइड से फोक की हेल्प से दोनों साइड से करना है हमको। अदरवाइज हमारा जो मठरी है ना, वो फूल जाएगा और हमको फुलाना नहीं है, उसको सिर्फ खस्ता बनाना है। तो इसलिए हमको ये प्रोसेस करना है। और इसी तरह से हमको ढेर सारे ये बनाकर रख लेने हैं। और ये जो आप अभी छोटे छोटे देख रहे हैं ना गोले, ये सिर्फ
उसका 1/3 पार्ट है जो हमने लिया है, आप पहले कम बनाना। मेरे यहाँ तो ना कम मैंने पहले बना के देखा था तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने ढेर सारे बनाए हैं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बनाते बनाते ही ख़त्म हो गया था, आधे घंटे में गर्म गर्म ही सब खा गए थे, तो कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैंने इस बार ढेर सारा बनाया है। तो आप पहले कम बना के देखना, और इसी तरह से फिर मैंने ना इसको एकदम स्लो गैस पे सेक रही हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा सा अंदर से कच्चा भी रह सकता है। तो अगर हमें अच्छा कुछ खाना है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें इसको सेकना है, इस तरह से पलटते हुए धीरे धीरे कम आंच पे उसको सेकना। और आप ना ये रेसिपी अपने घर पे जरूर से ट्राई करना, मैं कह रही हूँ 100% गारंटी के साथ कि अच्छे ही बनेंगे। आप खुद भी बनाना और ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।